हाय गाइस, ये मेरा वीडियो का पहला वीडियो है। तो बेसिकली इस वीडियो में दिखाऊंगा पिक्सार का ट्यूटोरियल। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि तो अपने फोटो एडिट का करता है, बहुत अच्छे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या आंसर है, या लाइट रूम पिक्सार। तो मैं लाइट रूम उतना यूज़ करता नहीं हूँ, पिक्सार ही उतना यूज़ करता हूँ। तो क्योंकि पिक्सार बहुत ईजी है, कम्फर्टेबल है, बहुत ऑप्शन भी है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊँगा पिक्सार का जो इमेज है, इमेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो बहुत ही ईजी है, देख लीजिए। पहले आप पिक्सार को ऐप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन लग रहा है, उसमें क्लिक कीजिए। उसका बहुत सारे फ़ोटोज़ आएंगे, ऑल फोटोज में जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी एक फ़ोटो है यहाँ पे, ये नहीं, ये सब एड्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये होगा मेरा मेन फ़ोटो, मतलब मेन फ़ोटो। इसमें बैकग्राउंड चेंज करूँगा, तो इसमें आप टूल्स दिख रहे हैं, आपको टूल्स में जाइए, आप चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं। तो क्रॉप आपको जितना ईजी होगा उतना ही आप क्रॉप कीजिए, बाकी अपनी मर्ज़ी। मेरा लिए इतने यूज़ होगा, ठीक है। या आप चाहे तो इसमें एडजस्ट है, एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। या ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी सब बड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे को ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी इसमें स्लाइड कीजिए, आप दिख रहे हैं यहाँ पे कटआउट का ऑप्शन है, कटआउट में क्लिक कीजिए। या इस कटआउट में इस वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए, साइज़ साइज आप कितना एडजस्ट कीजिए। तो इसमें एक रेड कलर का ऑप्शन आएगा, मतलब ड्रॉ करने से। तो एक काम कीजिए, पहले आप एक शेप बना लीजिए, ऐसे शेप बनाए ऐसा आपको इजी होगा। तो इसलिए तो अभी यहाँ पे टैप टू कट आउट, नेक्स्ट का ऐड हो रहा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, क्रिएटिंग स्टिकर हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो गया है पूरा। तो फिर भी आप, ये रबर का ऑप्शन है या पेन का, आप चाहे तो साइज़ बढ़ा सकते हैं, या फिर हार्डनेस कितना हॉलो होगा, डीप होगा। तो साइज मेरा यहाँ पे इतना ठीक है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे एडिट करके रखा हुआ है। तो अभी इसमें एक नेक्स्ट वाला एरो आ रहा है, तो उसमें आप क्लिक कीजिए। उसका गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, उसमें क्लिक कीजिए, फिर डन। तो इस हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक बैकअप रह जाए, अगर फोटो डिलीट भी होगा तो भी। तो अभी आप बैकग्राउंड कैसे इंसर्ट करेंगे, तो उसमें तो फिर से आप प्लस में क्लिक कीजिए। अभी एक बैकग्राउंड चूज़ किया, जैसे मेरा बैकग्राउंड होगा ये वाला बैकग्राउंड होगा। तो इसमें मेरा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट क्लिक किस करते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाऊंगा, क्लैरिटी भी थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्लाइड कीजिए, फिर से यहाँ पर आ रहा है आपको ऐड फोटो, ऐड फोटो में क्लिक कीजिए। जो फोटो आपने सेव किया था वो फोटो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, तो क्लिक कीजिए, फिर ऐड ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया है, तो आप साइज कितना बड़ा होगा या फिर घुमा सकते हैं इसको, कितना आपका इतना एडजस्टमेंट होगा उस तरह से, जितना आपका एडजस्टमेंट हो उतना। तो मेरे हिसाब से इतना ठीक है। तो अभी आपको इसमें दिखाना है कि क्लाउड्स आपके ऊपर भी आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें एकदम टॉप में देखिए एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाजू में एक रबर का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कीजिए। इसमें रबर का साइज आप कितना बड़ा रखेंगे इसमें एडजस्ट कीजिए, फिर कैपेसिटी मतलब कितना हार्ड या डीप होगा, और हार्डनेस भी उतना ही है, तो ठीक है। तो फिर एडिट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, अभी अभी थोड़ा डीप कर देंगे हम इसको, ठीक है, थोड़ा डीप कर देंगे इसको हम, फिर जूम, ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ठीक है। तो इसको हम राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये इसमें हो गया है पूरा, मतलब क्लाउड मेरे ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। और आप लोग कुछ मतलब इफेक्ट्स करना चाहे तो इफेक्ट्स में है, स्लाइड कर इफेक्ट्स कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इफेक्ट्स की ज़रूरत है मेरा, इसलिए मैं नहीं करूँगा अभी। तो इतना कट कर देता हूँ, तो इतना ठीक है मेरा। तो अभी अब क्या है, तो सेव कर लेते हैं। सेव तो हो गया मेरा फोटो, हो गया। तो नेक्स्ट फिर से गैलरी वाला ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कीजिए, फिर डन। तो ये फोटो अगर गैलरी में सेव हो गया। तो आज के लिए बस इतना है, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताना, और मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेरा पहला वीडियो है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।